तब मत रो यार। मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो। आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। चुप कर जाओ प्लीज, चुप करो यार, चुप करो यार, चुप कर जाओ। इधर मेरी तरफ देख। क्यों देखू, क्या लगते हो आप मेरे? क्यों रो रही है अब, क्या हो गया? एक बात ही समझाइए कि यार, एक चीज हो गई, अब चुप कर जाओ बस। हम खुश हैं, तुम मैं खुश? नहीं हूं खुशी यार, क्यों नहीं समझते यार? रात दिन जलील करके रखा हुआ है मुझे। तो वो किस वजह से हो रही हो, ये चीज तो बताओ ना। आपके रात दिन के ताने खा जाते हैं मुझे, पूरी पूरी रात सोने नहीं देते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मशहूर विलेज ब्लॉगर कपल सबा अहमद ब्लॉग्स आए दिन कोई ना कोई ड्रामा पेश कर रहे होते हैं। आजकल उनका एक न्यू ड्रामा ट्रेंडिंग पे जा रहा है, जिसमें अहमद साहब दूसरी शादी कर लेते हैं। पहले तो सबा खूब रोना धोना डालती हैं, उसके बाद वो खूब सज धज के अपने कसम की शादी में शामिल हो जाती है। वीडियो देखे जरा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी जो है ना बेगम साहबा को लेके जा रहे हैं घर। तो जैसे आपको बताया था घर का काम चल रहा था, तो अभी तक जो है ना वो चल रहा है इनके घर का काम ना। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक ये भी फाइनल हो जाएगा। अभी चलते हैं इंशाल्लाह लेके पूरी घर, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। सबा का इसका मेकअप वगैरह ना लुट जाए। गर्मी बहुत ज्यादा, चलें जी नीचे चलते हैं, फिर वहीं पे मिलते हैं। हाँ जी, आ जाए एक मिनट। सीढ़ी पे जो है ना वो सीढ़ी है, ध्यान से ध्यान से उतरना, और बल्कि नहीं लहना और चढ़ना। हाँ, ये मुश्किल काम होता है। माशाल्लाह जी, आपको देखने वाली आवाम भी पागल नहीं है, कमेंट में यही बात बोल रहे होते हैं सब के इस ड्रामे की आखिरी किस्त कब आएगी। और लोगों की ये बात सच भी है कि ये पूरा फ्लॉप ड्रामा है जो कि इन्होंने रचाया है सिर्फ व्यूज के लिए, क्योंकि इनके व्यूज आजकल कम आ रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि हम एक नया ड्रामा करते हैं, क्योंकि लोग हमारी मैरिड लाइफ देख देख के थक चुके हैं, तो अब इस मैरिड लाइफ में कोई ट्विस्ट भी होना चाहिए। तो ये ट्विस्ट आ चुका है इनकी लाइफ में, और इसकी लास्ट किस भी आप लोगों को जल्द से जल्द देखने को मिलेगी। मुझे पता है, मुझे पता है आप वीडियो देख रही होगी। प्लीज अगर थोड़ा सा एहसास है तो मुझे कॉल करो, और कॉल पे यही बोलो कि अहमद मुझे उधर ले चलो अपने घर, मैं वहां पे रहने के लिए तैयार हूँ। सफिया देखो, मामलात ऐसा ऐसा ही हल होते हैं। मैं आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि यार इधर कुछ महीने रहो, 2 महीने रहो, 4 महीने रहो, 6 महीने का बोला आपको रहो। जब इधर आप रह जाओगे ऐसा ऐसा सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा, हर चीज़ें जो है ना वो पूरी हो जाती होती हैं, कोई मसला नहीं है। चलें, अभी जो फैसला हुआ है और उसने भी ठंडे दिल से सोचा है, और उसके बाद मैंने भी सोचा है, तो अब हमने यही फैसला किया है। तो अभी आप मेरी दूसरी बेगम की वॉइस सुने, उसके बाद फिर जो है ना बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल है, कैसे हो यार, तबीयत कैसी है तुम्हारी, ठीक हो? सबा कैसी है, बच्चे सब ठीक है? अच्छा यार, मैंने जो कल बात की थी ना डिवोर्स में, गुस्से में आके की थी, उसके लिए मैं माजरत करती हूँ आपसे, ठीक है?
बाकी मैं आपको, आपको पता है मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपसे दूर नहीं रह सकती, आपको नहीं छोड़ सकती, ना कभी छोड़ूंगी। तो आप जो है ना मेहरबानी करें, आप अब हम अपना लेते तो रेंट का घर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। बाकी मेरी जॉब का मसला है, मेरी मजबूरी है, इसलिए मैंने आपको कहा। आप आ जाया करना, जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन मैं अपने भाई को बुला लिया करूँगी, वो आके रहेगा। आप जो है ना सबा को भी दुखी ना करें, परेशान ना करें, वो मुझसे पहले उस वो बच्चे हैं उससे तुम्हारे, तो मैं जो है ना बस यही कहना था। बाकी आप मुझसे रब्ता करें, मैंने बात करनी है, सारा दिन बात ही नहीं की आपने। या मुझे यहीं पे रेंट का घर लेकर दें, मैंने यहीं रहना है, आप आ जाए। मेरी पहली बेगम की जो शादी है वो मेरे साथ दूसरी शादी है, और मेरी जो पहली मेरी जो ये दूसरी बीवी है उसके जो है ना वो बच्चे हैं, पहले से बच्चे हैं ऑलरेडी। वीडियो उन्होंने पूरी देखी होगी कि किस तरह से ये ड्रामा रचाया जा रहा है, और ऐसा ही लगता है कि जल्दी इस ड्रामे का ड्रॉप सीन भी होने वाला है, जिसका सबा अहमद व्लॉग्स के सब्सक्राइबर को बेचैनी से इंतजार है। सबा अहमद व्लॉग्स हम सब इंतजार कर रहे हैं कि इस ड्रामे की आखिरी किस्त कब आएगी। जल्द से जल्द इस ड्रामे का वाइंड अप करिए ताकि कोई नया ड्रामा स्टार्ट हो। मजे मजे की अपडेट के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज।